प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, आराधना में लीन हो जाइए। दिल की गहराई से उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए जिस प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हैं। वो जिंदा है, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। वर्ष के इस अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं, कुछ ही पलों में हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय उस प्रभु को धन्यवाद देना, महिमा करना, उसके द्वारा दिए गए एक एक वरदान के लिए, एक एक आशीष को याद करते हुए उसके लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब लोग इस समय परमेश्वर की आराधना करना, यह आराधना के पवित्र क्षण है, आराधना के पवित्र समय, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आप जहां कहीं से भी इस समय लाइव हमारे साथ हैं, अपना फोन एक जगह रखकर परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाना। अगर आप सच में प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, फोन एक जगह रखकर हमारे साथ प्रार्थना में लीन हो जाइए। आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन। ज्योति दिखा जीवन
में ज्योति दिखा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, सब लोग मिलकर आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, 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 आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। मिलकर आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। बड़े दिल से, दिल की गहराई से। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। सारे मन से, सारे दिल से आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। अपनी अपनी जगह पर गाएं आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हैं गाएं आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। महान परमेश्वर की आराधना करें आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। अपने हाथों
को उठा के करें। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की, आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की, आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जिंदा परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की, एक ही परमेश्वर की आराधना। आराधना हो, आराधना हो, यीशु ही मसीह और प्रभु है, उसकी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु। हालेलुया, 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 जिंदा मसीह, जिंदा यीशु, हालेलुया, 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 यीशु ईश्वर है, यीशु हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु को देखा है, जिसने यीशु को देखा है, उसने पिता को देखा है, उसने पिता को देखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसे अपनाया, और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, और नाम में विश्वास करते हैं, सबको उसने, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का, ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद रखें। आप इस समय जहां कहीं भी हो, इस समय पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। स्थिर हो जाइए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारे काम काज को दूर रखिए, प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास कीजिए। वह जीवित प्रभु, करुणामय प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, विश्वास कीजिए। पाप और बंधनों से हमें आजाद करने के लिए इस संसार में उतराने वाली उस मसीहा की उपस्थिति महसूस कीजिए। मृत्यु को हराने वाले उस मृत्युंजय प्रभु यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। इस कार्यक्रम का नाम है, शीर्षक है, कृपा धारा। प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की उपस्थिति से समय, प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, दोनों हथेलियों को खुला छोड़िए। प्रभु को इस समय हमारी ओर अपनी कृपा को बहाने दीजिए। प्रभु के वचनों को सुनिए, प्रभु से वार्तालाप कीजिए, प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल दीजिए। अपने जीवन के एक एक बात को समय प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं,
आपका ख्याल करते हैं, आपसे ज्यादा आपके लिए चिंता करते हैं, आपके भविष्य के बारे में जानते हैं, आपके बीते जीवन के बारे में जानते हैं, आपके वर्तमान की एक एक बात का विवरण उसके पास है। उसके पास आइए, विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए। यीशु को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। सर्वशक्तिमान का पिता यीशु, सर्वशक्तिमान का पुत्र यीशु, उसको आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, करेंगे, और ये विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन की समस्याएं प्रभु के सामने निसार है, कुछ नहीं है, तुच्छ है। संत पौलुस को सुनिए, पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है, इस संसार का दुख नगण्य है। शैतान और शैतान की बातें हमें डरा नहीं सकती, हमें दबा नहीं सकती, शैतान हमें हरा नहीं सकता। हम शैतान के सामने जीतेंगे, शैतान को हराएंगे। प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, उसी तरह शैतान को हम हराएंगे। हम हराने वाले हैं, हारने वाले नहीं हैं। मृत्यु पर जीत पाने वाले यीशु के शिष्य हैं, उनके साथी हैं, उनके सहयोगी हैं। इस समय अपने जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। विश्वास कीजिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप क्यों चिंतित हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों बेचैन हैं? अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरे परिवार की परिस्थिति, मेरी समस्याएं, मेरी अंदरूनी समस्याएं, मेरे हर प्रकार का संकट, हर प्रकार का संघर्ष मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तू जीतने वाला है, हारने वाला नहीं है। तूने शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। ये प्रभु यीशु मेरे जीवन की एक एक बात को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। आंखें मंद रखिए, इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसकी वाक्य 1-3 में प्रभु कहते हैं, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इसराइल का परम पावन उद्धारक हूँ। प्रभु कहते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वर्ष बीत रहा है, 2021 बीत रहा है, कुछ ही घंटों में बीत जाएगा 2022 शुरू होगा। ये 2021 हम सबके लिए, विशेष करके हमारे देश की जनता के लिए कितना दर्दनाक समय था हम जानते हैं, कितना दर्दनाक समय था हम जानते हैं। कैसे कोरोना महामारी ने हमारे देश को झकझोर दिया, जनता को झकझोर दिया, कितने ही लोग मर गए, आपके ही परिवार के कई सदस्य गुजर गए होंगे, मर गए होंगे, कितने लोग कोरोना से पीड़ित होकर डर डर कर जीवन जिए। उन सनों को याद कीजिए जब लोग मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, स्मशान घाट पर जगह नहीं थी, नए नए स्मशान घाट बनाना पड़ा, जहां लोगों को जलाया जाता है वहां पर अगल बगल में इतने सारे लोग एक साथ जलाए जा रहे थे। उन डॉक्टरों की दशा देखिए जो दिन रात इनकी सेवा में लगे हुए थे, अपने परिवार का ख्याल किए बिना। उन नर्सेस का ख्याल कीजिए जो अपने बच्चों और पति और अन्य लोगों का ख्याल किए बिना दिन रात इसके लिए लगे हुए थे। एम्बुलेंस ड्राइवर्स, स्मशान घाट में काम करने वाले बेचारे दिन रात परेशान थे। हमने देखा कि
जलाने के लिए जगह नहीं थी, लोगों ने रेत में, नदी के तट पे रेत में गाड़ दिया। कुछ लाशें गंगा नदी में तैर रही थी। कितना दर्दनाक समय था, डरावना समय था। हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे। दूसरी तरफ हमारे किसान भाई एक साल सड़क पर बिताए, सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में घर बार छोड़कर सड़क पर तंबू के नीचे भीषण गर्मी में, कड़कड़ाती उस ठंड में, बारिश में, हमारे देश के लिए कितना दर्दनाक समय था पिछला साल। लेकिन प्रभु ने हमें डूबने नहीं दिया, हमें बर्बाद होने नहीं दिया, हमारी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया, हमारी आशा को पूरी तरह से निराशा बनने नहीं दिया। कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों के ऊपर कर्ज पर कर्ज आया, कितने लोग बेघर हो गए। दर्द पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन प्रभु ने हमें उन सारी चीजों के बचा के रखा, हमें बर्बाद नहीं होने दिया, हमारी आशा को बनाए रखा, हमें आत्महत्या करने नहीं दिया, हमारी उम्मीदों को बनाए रखा। ये प्रभु की महान कृपा है, अनुग्रह है। आज हम इस समय प्रभु की आराधना में बैठे हुए हैं। प्रभु ने हमारे चोटों को मिटा दिया, प्रभु ने हमारे आंसुओं को पोंछ दिया, प्रभु ने हमारे अंदर नई उम्मीदें लगे जगाई। हमारे प्रभु कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं। इस कोरोना काल में इस कृपा धारा के द्वारा हजारों लोगों को जीवन प्राप्त हुआ, टूटे हुए लोग फिर एक बार जिंदे हुए, जिनके अंदर आशाएं नहीं थी उन्हें आशा मिली। ये कृपा धारा कार्यक्रम कितना शक्तिशाली कार्यक्रम है हमें पता चला उस समय, जब हजारों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, अपने दर्द पीड़ा में प्रभु को पुकारने के लिए एक सुंदर और सुनहरा मौका और उनको माध्यम मिला था। प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। इन सारी बातों के बावजूद प्रभु ने हमें जिंदा रखा, हमारी आशा को जिंदा रखा, उम्मीदों को जिंदा रखा। इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 आंखें मंद रखिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। आंखें मंद रखिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए, अन्य बातों को भूल जाइए, प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु यीशु, समय में प्रार्थना करता हूँ संसार भर के उन सारे लोगों के लिए जिनके घरों से कोई ना कोई भी मर गया और जिसके कारण आज भी उन घरों में मायूसी छाई हुई है, उदासी छाई हुई है। एक नए साल को वे लोग स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग अभी कर्ज में हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं इस महामारी के कारण। प्रभु यीशु, उन सारे लोगों के दर्द पीड़ा को तेरे सामने लाते हैं, उन पर दया करना यीशु, उन्हें नई उम्मीदें देना, उनके हृदय को सांत्वना देना, उनके आंसुओं को पोंछ देना, उनके शोक को आनंद में बदल देना। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु यीशु, हम अपने पापों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं मेरे यीशु। इस पिछले वर्ष में हमने मेरे यीशु बहुत से पाप किए जाने अनजाने में। प्रभु यीशु, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे यीशु। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन पाप की वजह से मेरे यीशु रुकावट बन जाता है, जो हमारी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती है। आपकी कृपा तो हम तक आती है मेरे यीशु,
लेकिन हमारे पाप की वजह से वह कृपा वंचित हो जाती है। मेरे यीशु, प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए जो पाप के गुलाम में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु, जिस प्रकार तूने उन तीन राजाओं को अपना तारा दिखाया, मेरे यीशु, अपना प्रकाश दिखाया, सिर्फ एक चिन्ह के माध्यम से वे लोग चलते रहे। मेरे यीशु, रास्ते में बहुत सी जगह प्रभु यीशु आए, लेकिन उनका ध्यान कहीं नहीं भटका, सिर्फ तेरी दिखाई हुई रोशनी की तरफ बढ़ते रहे। प्रभु यीशु, इस आने वाले वर्ष में जो भी प्रभु यीशु हमारे रास्ते में पाप है, मेरे यीशु, तू हमें बचा के रख। प्रभु यीशु, हमें प्रज्ञा बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम समझ सकें कि पाप कितना भयानक है, और सिर्फ दिखाई हुई तेरी किरण की तरफ हम चलते जाएं। प्रभु यीशु, इस नए वर्ष में हमें इस काबिल बना कि हम तेरे प्रिय शिष्य बन सके। इस कृपा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मेरे ईश्वर, इस संध्या की पावन बेला में, सुंदर समय में प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि पूरे साल उथल पुथल का साल रहा, कहीं गम कहीं खुशी, गम ज़्यादा रहा प्रभु जी, पूरे साल महामारी की चपेट में रहा, लेकिन जब हम महामारी याद करते हैं तो मिस्र की महामारी याद आती है प्रभु जी, जो महामारी आप भेजते थे, शायद इस महामारी के साथ आपकी महिमा भी प्रकट हुई कि जिन लोगों ने आपसे दूर चले गए थे, आपको जानते तक नहीं थे, क्योंकि जब कृपा धारा प्रारंभ हुई, क्योंकि उसका नाम था कोरोना से जंग, उस समय मुश्किल से सैकड़ों लोग थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना महामारी बढ़ती गई, लोगों की संख्या हजारों हजार में बढ़ती गई प्रभु जी, ये आपकी महिमा रही, लोग आपके जाने आपके शरण में गए और उससे आपने बचाव किया। हे मेरे ईश्वर, इस साल कुछ घंटों में समाप्त होने वाला है, अगले नए साल में प्रभु जी अपने भक्तों की रक्षा करना, दया करना कि पिछले साल उनके परिवार में जो भी गम रहे था वो खुशी में बदल जाए, जो भी बुरा सोच बुरा विचार था उनको अच्छा सोच अच्छा विचार देना प्रभु जी। नया साल कुछ घंटों में प्रारंभ होने वाला है, नया साल में नया जोश नया उमंग के साथ प्रभु जी उनके मन हृदय और विचार को परिवर्तित करना, अच्छा सोच अच्छा विचार अच्छा स्वभाव देना, सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, प्रज्ञा से भर देना, ताकि वे नए सोच और नए विचार के साथ अपने पिता के पास लौटे, जिस तरह उराव पुत्र ने लौटा था। हे मेरे ईश्वर, क्योंकि सभी आपके पुत्र हैं जो दूर जा चुके हैं, उन पर दया करना, तरस खाना कि नए साल में नए जोश और नए उमंग के साथ नया विचार के साथ अपने पिता के पास लौटे। इसके लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज हम संसार भर के उन सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज कितने लोग कठोर हृदय वाले हैं, कितनों के परिवार में माता पिता से भाई बहनों से बात नहीं होता, प्रभु जिस तरह आपने एक दूसरे को प्यार किया, आज हम उनके कठोर हृदय के लिए दया मांगते हैं प्रभु, मोम की तरह गला दीजिए, ताकि इस पुराने वर्ष में पुराने यादों को पुरानी आदतों को त्याग कर नए वर्ष में एक नया जीवन के साथ प्रवेश करें, और परिवार में और सबों के साथ एकता बनाए रखें। हम दया मांगते हुए स्तुति और आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं,
हे प्रभु यीशु, अभी हम संसार भर के हर एक व्यक्ति को आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, जितना लोग आपको विरुद्ध है, आप जितना लोग आप चाहते हैं, सबको आप एक ही जैसे प्यार करते हैं। आप प्यार का भंडार है प्रभु। हे प्रभु यीशु, एक साल हमसे बीत गया है। हे प्रभु यीशु, हमारा दुख में, हमारा सुख में अब हमारा साथ रहा। जब हम पराजित हो गया तो हमारे साथ आपने रोया। हमारे दुख में आप शांति प्रदान किया। हे प्रभु यीशु, जब हम खुशी में था तभी आप हमारे साथ खुशी मनाया। हे प्रभु, जब हम रोगी था तब हमारे साथ बैठ कर हमको सांत्वना दिया। हे प्रभु यीशु, आप प्यार का भंडार है, हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, अगले साल में आपकी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार हम अपने आप को परख देख कर हमारा जिंदगी में जो कुछ बदलना है सब कुछ बदल कर और अच्छी से जीवन बिताने की कृपा हमें दे। हमारा हम जाने अनजाने जो कुछ गलतियाँ किया है, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का सारी पापों को अब क्षमा देना। हे प्रभु यीशु, हमारा प्रार्थना अब सुनना। हर एक व्यक्ति को प्यार करने वाला प्रभु यीशु, दुनिया के हर एक व्यक्ति को आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। हे अब्बा पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, पुरानी बातें जाने दो, नई बातें सोचो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, हम संसार भर में सभी युवक युवतियों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, 2021 में वो लोग जितने भी पाप किए प्रभु, उनके सारे अपराधों को, सारी गलतियों को क्षमा करिए अब्बा पिता। वे लोग अपने मम्मी पापा का बात नहीं माने प्रभु। हे प्रभु यीशु, हर प्रकार के प्रभु अपने, हे प्रभु, हर प्रकार के उन सभी को बीमारी से, हर प्रकार के परपंचों से प्रभु बचा करके अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखना। हे अब्बा पिता, आने वाले 2022 में उन सभी की रक्षा करना, उन सभी को पाप से, गलत संगति से बचा करके अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखिएगा, ताकि वे लोग अपने माँ बाप का बात कहना सुने अब्बा पिता। ऐसे संसार में मैं सभी युवक युवतियों पर दया करना, उन सभी को सामर्थ्य देना कि वे लोग बुराई को त्याग कर तेरे मार्ग पर चल सके। इस मतलब के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष जो जो कृपाएं, जो आशीषें, जो वरदान तूने हमें दिए, हमारे परिवारों को दिए, हमारे संग रहने वाले लोगों को दिए, एक एक वरदान आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। साथ ही साथ हम अपनी सारी पापों, गलतियों, कमी कमजोरियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। हम पर दया करना, तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करना। प्रभु, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हमें आत्मिक बातों पर दृष्टि लगाने की कृपा देना। नए वर्ष में नए उत्साह के साथ आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की कृपा देना। हमें आत्मा का अभिषेक देना, तुझे अपने जीवन का स्वामी और मालिक मानकर तेरे हाथों में अपना जीवन देकर जीने की कृपा देना। हमारी अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी योजनाओं से नहीं, अपने मन से नहीं, वरन आत्मा के द्वारा चलने की कृपा हमें देना। इस प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
मैं आगे दौड़ा चलूं,
पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, मैं मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, हालेलुया 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 अपनी आंखें मंद रखिए। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते, वो प्रारंभ हो चुका है। हम 2021 को छोड़ने वाले हैं, 2022 में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु के आदेश को सुनिए। प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते। प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो। हाँ, पिछला साल तुम्हारे लिए दुखपूर्ण रहा, कोई बात नहीं, समर्पित करो। आज तू जिंदा है, ये मेरी कृपा है। प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, ये प्रभु की घोषणा है। इस समय प्रभु को सुनिए। प्रभु कहते हैं, मैं देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते। आई एम गोइंग टू डू ए न्यू थिंग, इट इज ऑलरेडी बिगन, कैन यू नॉट सी इट हैपनिंग ऑलरेडी। यौहन के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लूकस के समाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास
राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम उस सैतूत के पेड़ से कहते हो कड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आप और मेरे जीवन में जो असंभव सी बातें हैं, जिसके बारे में इस वर्ष हम डरे हुए थे, उन सारी बातों का हमें समय प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आंखें मंद कीजिए, हृदय खोलिए। ये पुराना वर्ष बीत रहा है, एक नए वर्ष में प्रभु हमारे लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं देते हैं, लेकिन सबसे पहले विश्वास करना कि ये प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी। यस, कई साल पुरानी मेरी बीमारी, जिसके बारे में वैद्यों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, कभी आप चंगे नहीं हो सकते हैं, आज इस वक्त विश्वास कीजिए कि प्रभु नए साल में उन बीमारी को दूर करके मुझे स्वतंत्र करने जा रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार पर जो बोझ है, मुकदमा, कर्ज, हमारा परिवार डूब रहा है, डूबता रहा, विश्वास कीजिए कि प्रभु प्रबंध कर रहे हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फेथ, आपके विश्वास पर निर्भर है कि प्रभु एक नया कार्य करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, इस समय विश्वास कीजिए। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे, पूरा स्थिर होकर बैठना, प्रभु के पवित्र वचन पर विश्वास करना। आपका परिवार टूटा हुआ है, पति पत्नी अलग, लगता है कि हम जुड़ नहीं सकते, विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु सब कुछ को करने में समर्थ है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। अपने हृदय में इस समय विश्वास को जगाइए। आपके मन में जो निराशा है उसको दूर होने दीजिए, निराशा को दूर होने दीजिए, आशा को आने दीजिए। नए वर्ष को नए सिरे से आशा के साथ ग्रहण कीजिए। प्रतिदिन प्रभु से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं भरोसा रखता हूं, मैं भरोसा रखती हूं। ऐसा विश्वास करना। अपनी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो परिस्थिति आपको रुला रही है, आपके लिए दुख का कारण है, वो क्या है याद कीजिए इस समय, उसको प्रभु को समर्पित कीजिए, उसको प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ को बदल सकता है, तू बदलने में समर्थ है, सक्षम है। वो मेरा विश्वास टूट जाता है, लेकिन तेरा विश्वास नहीं टूटता है। तूने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे, ये तूने कहा है यीशु। तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने कहा यीशु, मैं विश्वास करता हूं, यीशु विश्वास करता हूं, मेरी परिस्थितियां बदलेगी, आने वाला वर्ष मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अनुग्रह और आशीष का समय होगा। इस समय प्रार्थना करते जाइए, स्तुति करते जाइए विश्वास के साथ। हालेलुया 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 तेरे से तूफान आने दे, आगे मत रखिए, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना मेरे लिए से वो आग बरसा दे,
सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद दीजिए। आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा समय मजबूत कर रहा है, आपकी उम्मीदों को जगा रहा है। विश्वास कीजिए, स्वीकार कीजिए समय, धन्यवाद दीजिए समय के लिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को बनाए रखना, आज रात को इस अभिषेक को बनाए रखना। पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलेगा, आपके अंदर बोलेगा, रात के समय गुनगुनाएगा। आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है, आपके द्वारा आपके परिवार में कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए इस समय, स्वीकार करते जाइए, अंगीकार करते जाइए, हल्की आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आगामी वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, प्रभु की आशीषें हमारे साथ होंगी, प्रभु हमारे साथ होंगे, ऐसा विश्वास करेंगे। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे और उस समय हम संसार भर के सभी रोगियों को याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
तेरी महिमा हो प्रभु।